नमस्कार, हमारी खास पर चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हूं दीपक भदौरिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का रथ कई राज्यों से होते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जा रहा है। राहुल अब अपनी मोहब्बत की दुकान भाजपा के गढ़ उत्तर प्रदेश में लगाते हुए मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं और इसका असर भी खूब दिखाई दे रहा है। अमेठी के हजारों कार्यकर्ता ठंड में सफेद टी शर्ट पहनकर साथ चलते दिखाई दिए, तो वहीं भाकियू और रालोद जैसे कई दल समर्थन भी दे रहे हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प है कि विपक्ष के भी कई नेता जुबानी समर्थन कर रहे हैं, तो जाहिर है कि राजनीति तो होगी ही और इसी से कई सवाल भी जन्म लेंगे। तो चलिए, इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं खास मेहमान। आपको मेहमान से रूबरू कराएं, उससे पहले दिखाते हैं हमारी यह खास रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा, इस यात्रा का उद्देश्य भारत को एक करना है, एक साथ आने और देश को मजबूत करने के लिए यात्रा है। ये यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई और 12 राज्यों से होते हुए जम्मू और कश्मीर में समाप्त होगी। यात्रा को पहले ही जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल चुकी है। आज हमारे देश को विभाजित करने वाले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मुद्दों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कांग्रेस नेताओं के साथ लाखों लोग इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। इस ऐतिहासिक आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों से लोग एक साथ आ रहे हैं। ये भारत की एकता, उसकी सांस्कृतिक विविधता और उसके लोगों के धैर्य का उत्सव है। ये हम सभी भारतीयों को हमारे साथ आने और चलने का खुला निमंत्रण है। राहुल गांधी अगले 2 दिनों तक उत्तर प्रदेश का भ्रमण करेंगे। उनकी यात्रा 6 जनवरी को हरियाणा में प्रवेश करेगी, जिसके बाद 11 जनवरी से 20 जनवरी तक पंजाब में, 19 जनवरी को एक दिन हिमाचल प्रदेश में होगी और पार्टी के नेताओं के अनुसार यात्रा जम्मू कश्मीर के कठुआ पहुंचेगी, 20 जनवरी को जिला और 30 जनवरी को श्रीनगर में यात्रा का समापन होगा। उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यात्रा का स्वागत किया और जल्द ही जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला इसमें शामिल हो गए। लोनी में एक जनसभा में प्रियंका गांधी ने 300 किलोमीटर चलने को लेकर, टी शर्ट में ठंड झेलने से लेकर अंबानी और अडानी द्वारा नहीं खरीदे जाने तक हर चीज के लिए भाई राहुल की तारीफ की। इस यात्रा में मंगलवार को शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी और पूर्व रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख येदुलत ने भी भाग लिया। यात्रा में चलना एक अद्भुत अनुभव, शानदार और असाधारण व्यायाम था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 120 दिनों से बदस्तूर जारी है। दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक राहुल गांधी को अपार जन समर्थन मिल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी एक गंभीर नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं। अब तक राहुल गांधी लगभग 3000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर चुके हैं। राहुल गांधी की यात्रा से भले ही विपक्षी दलों ने दूरी बना ली है, लेकिन अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि स्थित क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि एक नौजवान इस ठंड में देश में पैदल चल रहा है, ये प्रशंसनीय है। 50 साल का एक नौजवान देश को समझ रहा है और 3000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर चुका है, तो हमें इसकी प्रशंसा ही करना चाहिए। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मैं तो कहता हूँ आप सभी को भी हिंदुस्तान की पदयात्रा करके भारत का अध्ययन करना चाहिए। राय ने कहा, इसमें कुछ गलत नहीं है, मैं आरएसएस का कार्यकर्ता हूं और आरएसएस कभी भी भारत जोड़ो यात्रा की निंदा नहीं करता। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इस खराब मौसम में चल रहे हैं, इसकी सराहना की जानी चाहिए। मुझे कहना होगा कि हर किसी को देश की यात्रा करनी चाहिए। इससे पहले राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भी राहुल गांधी को अपना समर्थन दिया था। इसमें क्या बात है, मैं भी धन्यवाद करूंगा। एक नौजवान पैदल चल रहा है देश में, प्रशंसनीय बात है, इसमें खराब बात क्या है? आलोचना किसने की है? अभी मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूं, संघ में किसी ने आलोचना की है क्या? प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके पद यात्रा की आलोचना की है क्या? एक नौजवान देश का भ्रमण कर रहा है, देश को समझ रहा है, ये प्रशंसा की बात है। 50 साल का नौजवान हिंदुस्तान के
3000 किलोमीटर दूरी को पैदल चलेगा और इस मौसम में भी चलेगा तो इसको अप्रिशिएट ही करेंगे हम तो। आप यात्रा का स्वागत करते हैं? यात्रा का स्वागत नहीं, यात्रा हो रही है। मैं तो कहता हूँ आप सबको भी और हिंदुस्तान की पदयात्रा करके भारत का अध्ययन करना चाहिए। देखिए आरएसएस के अंदर और जो साधु संत हैं उन लोगों में भाजपा के खिलाफ बहुत माहौल बन गया है, इसलिए बहुत बड़ी संख्या में लोग जो हैं साधु संत जो हैं वो भाजपा की सरकार से नाराज हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर खुद ही विद्रोह पनप रहा है और बड़ी संख्या में विधायक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गए हैं। राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि छूते छूते निकल रही है। उत्तर प्रदेश में आने की उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता से दुराव होने के कारण, क्योंकि उत्तर प्रदेश को छोड़ करके वो लोकसभा के आम चुनाव में केरल चले गए थे, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को इस बार भी निराश किया है। वो उत्तर प्रदेश के किनारे किनारे निकल रहे हैं और वो कांग्रेस पार्टी और वो उनके नेता जो लगातार देश को तोड़ने की बात करते थे, देश को विध्वंसक शक्तियों के साथ हाथ मिलाने का काम करते थे, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होने की बात करते थे, वो लोग भारत जोड़ो यात्रा का छद्म नाम देकर के लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आम जनता उन्होंने बुरी तरह नकार दिया है, इसलिए उन्होंने हिम्मत ही नहीं की उत्तर प्रदेश से निकलने की, इसलिए वो केवल टच करते हुए दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की आम जनता को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उनकी सच्चाई को जिस ढंग से उत्तर प्रदेश की जनता ने समझा है, परखा है, कांग्रेस को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, तो इसलिए मैं उत्तर प्रदेश की जनता का आभार प्रकट करता हूं। इतिहास जी ने कहा है कि इनके भारत जोड़े यात्रा की आलोचना कोई नहीं कर रहा है। देखिए आलोचना किसी भी आंदोलन की कोई नहीं करता है। हमारे यहाँ तो अभी किसान भाई जब आंदोलन कर रहे थे तो प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा डील दिखाया कि कानून भी वापस ले लिया उन्होंने। देखिए राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा नाम तो दिए हैं, लेकिन आप तो देख रहे हैं जिस तरह से वो बार बार बता रहे हैं कि हमारी लड़ाई झाड़ा से है, झाड़ा पाला से लड़ रहे हैं। मेरा ये मानना है उनकी लड़ाई वहीं तक सिमट के रह जाएगी। तो राहुल गांधी की यात्रा शुरू तो बिल्कुल कन्याकुमारी से हुई थी और जा तो आगे रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो राज्यों से होके आई है सबसे ज़्यादा अगर देखें तो वो सुर्खियां बटोर रही उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश वैसे भी राजनीति का गढ़ कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर सियासत तो होगी ही। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है जिसमें मेहमान हैं हमारे साथ अवकाश वारसी जी हैं जो कि चैनल स्टेट हेड यूपी के हैं, और अश्विनी शाही जी हैं जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, जावेद अहमद जी हमारे साथ जल्दी जुड़ेंगे कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और मनोज मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले जिस तरह से अश्विनी जी से सवाल मैं करूं, लेकिन अश्विनी जी अभी जुड़े नहीं, लेकिन जावेद जी से मैं सवाल करूंगा। जावेद जी जिस तरह से इस पूरे मामले को अगर देखें तो कांग्रेस इसमें कहीं ना कहीं अपनी सीट तलाशने के लिए कांग्रेस उत्तर प्रदेश से गुजर रही है, लेकिन कहा जाता है कि सूखा झेल रही कांग्रेस को अब इस यात्रा से काफी उम्मीदें हैं, क्या वाकई कुछ हो पाएगा इस यात्रा से या नहीं? जावेद जी तक निश्चित तौर पर हो पाएगा। देखिए दो तरीके की चीजें होती हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई चुनावी रैली या चुनावी प्रोग्राम होते हैं तो वहां पर अरेंजमेंट होता है और जनता को जो है बुला बुला करके ला करके किया जाता है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा एक ऐसा प्रोग्राम चल रहा है कि इसको देखने के लिए जो जन सैलाब जो जनसमूह उमड़ रहा है वो कोई बुलाई गई भीड़ नहीं इकट्ठा हो रही है, वो लोग इकट्ठा हो रहे हैं जो महंगाई से जो टूटी हुई कमर है उसको कहीं जोड़ने की उम्मीद या आशा की किरण राहुल गांधी के नेतृत्व में देख रहे हैं, या वो छात्र देख रहे हैं राहुल गांधी की तरफ बड़ी आशा की तरफ से कि उनको जो है एजुकेशन में आने वाली सरकार जो है अच्छी फैसिलिटीज देगी, फीस की वृद्धि नहीं होगी, है ना। दूसरी चीज एक बहुत बड़ा वर्ग है व्यापारी वर्ग जो कहा जाता है कि इस देश की रीढ़ की हड्डी है, छोटे छोटे व्यापार भी व्यापारियों के माध्यम से गरीब लोगों तक पहुंचता है, ट्रांसपोर्टेशन से इकोनॉमिक हर तरीके से व्यापार से पूरे देश को कहीं ना कहीं आर्थिक एक तरीके से रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, वो लोग भी देख रहे हैं बड़ी उम्मीद से, क्योंकि जीएसटी में कोई बुराई नहीं है, जीएसटी का जो स्लैब है ना उससे बुराई है। तो हर वर्ग के लोग इस समय जो है कहीं ना कहीं राहुल गांधी की इस यात्रा में अपना एक आने वाला नेतृत्व ढूंढ रहे हैं। इसमें कहना कोई लाग लपेट की बात नहीं होगी, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता हूं
कि भारत उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे भारत की जनता राहुल गांधी में अगला नेतृत्व देख रही है, ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। जी ठीक है, आपने ये कह दिया है, लेकिन कथनी और करनी में नेताओं की स्पेशली बहुत फर्क होता है। जो आज सुर्खियां बटोरने के लिए इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, तो क्या गारंटी है को कल के, अभी उत्तर प्रदेश में तो चुनाव फिलहाल हो गया, जाहिर सी बात है लोकसभा की तैयारी है, तो लोकसभा में वो आपका साथ देंगे, ये कहां तक चुनाव के नजदीक आते आते कहते हैं कि नेता एक दिन में पलट जाते हैं, इधर से उधर हो जाते हैं, तो ऐसे कैसे विश्वास जताया जा सकता है कि जो यात्रा में आज शामिल हो रहे हैं वो कल भी आपके साथ खड़े होकर दिखाई देंगे। देखिए इस चीज का तो मैं समझता हूँ कि भारतीय राजनीति में जो ये एक पहलू है, ये कोई भी पार्टी किसी नेता या किसी दल से ये पूर्ण रूप से सहमत नहीं हो सकती। मैं बिल्कुल से स्पष्ट ये बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग आ रहे हैं उनका स्वागत है और स्वागत होना भी चाहिए, लेकिन ये कह पाना कि वो लोग आखिर तक जुड़े रहेंगे और वो हमारे साथ में ही रहेंगे, इसमें मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी की यात्रा की जो पॉपुलैरिटी है उसमें बहुत लोग अपनी जो है वो भूमि तलाश रहे हैं। राहुल गांधी को तो कह रहे हैं कि सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन वो अपनी बंजर जमीन में कहीं ना कहीं पानी को लगाने के लिए ट्यूबल ट्यूबल ढूंढ रहे हैं। चाहूंगा जी, लेकिन जावेद साहब की इस प्रतिक्रिया पे मुझे याद आ रहा है कि कई पॉलिटिकल पार्टीज को राज्य स्तर की जो क्षेत्रीय पार्टीज उत्तर प्रदेश की, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी, और बहुजन समाज पार्टी के अलग अलग नेताओं को भी, पूर्व सांसदों पूर्व विधायकों को चिट्ठी दी गई है, न्योता दिया गया है, और समाजवादी पार्टी के ये जो चिट्ठीबाजी चली है, सलमान खुर्शीद साहब का बयान आया, फिर अखिलेश यादव जी ने दो तीन दिन अलग अलग न्योता जो है पत्रकार बंधुओं से ही कहा कि अगर आपके फोन में हो तो मुझे दिखा दें, तो मैं चाहूंगा कि ये न्योतेबाजी पे और उसके बाद जो पत्र पहुंच रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी को, अश्विनी शाही जी आपका क्या क्या कहना है इस पर? देखिए अभी तक जो पत्र जो लिखने का और न्योता देने का जो कार्यक्रम चल रहा है, हर आदमी राहुल जी के इसमें अखिलेश जी के बयान को आपने बताया, अंत में एक चिट्ठी जारी करके आशीर्वाद दे दिया उन्होंने, क्योंकि वो दूरी बनाकर रखना चाहते हैं। 17 में उन्होंने एक साथ साइकिल पर बैठाकर हाथ से साइकिल जब पकड़ा गया पंजे से तो साइकिल पंचर हो गई, इसलिए वो दूरी बनाकर रखना चाहते हैं, आशीर्वाद भेजा है। पहले तो कहते रहे न्योता ही नहीं मिला, लेकिन ये पूरी जो यात्रा चल रही है, जावेद भाई ने कहा कि यात्रा से कई लोग तलाश रहे हैं, तो क्या मायावती जी के लिए है या राहुल जी के लिए या जयंत चौधरी जी जो शायद शामिल होने के लिए हामी भर चुके थे उनके लिए, पहले उन्होंने ना बोला फिर शायद शामिल होने की बात कर रहे थे उनके दल के लोग, ये कौन जमीन तलाश रहा है? क्योंकि मुझे जहां तक याद आ रहा है ये खटिया यात्रा हुई थी देवरिया से दिल्ली तक, यही राहुल जी थे, 27 सीटें आपकी थी, वो 7 सीटों में कांग्रेस सिमट गई थी, वो किसके लिए हरा भरा था ये याद कर लीजिए जावेद भाई। यात्राओं से कुछ नहीं होता, यात्रा का यक्ष प्रश्न है। आज कन्याकुमारी से चल रहे हैं जम्मू कश्मीर तक माननीय राहुल जी, उन्होंने देश में देखा है अमन चैन सुख सब समृद्धि है, अभी उनको ये देखकर उनके जो है वो तन का जो क्या कहते हैं टेम्परेचर बढ़ गया है, तो टी शर्ट की बात ऐसे ही लोग नहीं कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं टी शर्ट पर कोई सवाल, लेकिन उन्होंने देखा है कि खुशहाली समृद्धि एकता हर जगह है, और जहां वो झंडा फहराने जा रहे हैं उसका भी मार्ग भारतीय जनता पार्टी ने प्रशस्त किया है। माननीय जोशी जी ने वो किस संघों से झंडा फहराया वहां, माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का की शहादत हुई और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर कैसे झंडा फहराया, और आज 370 हटाने के बाद जो दो झंडे का कार्यक्रम था वहां, एक झंडा एक निशान हम लोगों ने किया है और उसको आसानी से फहराने जा रहे हैं, तो आप देश में कहीं कोई देश अखंड है, देश में कहीं कोई टूटा ही नहीं है जो जोड़ने जा रहे हैं। और एक दो सवाल कांग्रेस के हम प्रवक्ता जावेद जी से पूछना चाहेंगे, ये जो निमंत्रण और आमंत्रण किया जा रहा है, मेरे भी एक साथी वहां गए थे जो कांग्रेस के मित्र हैं, वहां निकल कर आए और आज बागपत और शामली का आज उन्होंने फोन करके मुझे बताया, भाई साहब क्या लजीज पकवान बन रहे हैं, नॉनवेज वेज नाश्ता, और वो टेंट जो है दो तीन वो जो आगे जाता है दूसरे जगह टेंट लगाता है वो 5-स्टार व्यवस्था जो फार्म हाउस में, दिल्ली के हैं उन्होंने कहा फार्म हाउस में शादियां होती हैं तो 2-2.5 हजार रुपए प्लेट की क्रॉकरी जो आती है उस टाइप की व्यवस्था वहां पर है। आखिर ये
एक गरीब पार्टी कहती है ना कांग्रेस अपने आप को, नेशनल हेराल्ड का पैसा नहीं है, ये पैसे कहां से आ रहे हैं, जिस यात्रा की कोई मंजिल नहीं है। इतनी जानकारी आपको दी आपके कांग्रेस के दोस्त ने, उनका नाम भी बता दिए जब इतनी जानकारी आप बता रहे हैं। नहीं, आप देखिए कुछ चीजें जो है सूत्रों से होती हैं, आप लोग भी नहीं बताते हैं तो सूत्र में ही रहने दीजिए, लेकिन ये जानकारी दिया है। इस तरीके की बातों बिल्कुल इस तरीके की बातों का कोई देखिए औचित्य नहीं है। मैं एक लाइन में और अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ जावेद भाई, एक लाइन में, और आपके साथ जो चल रहे हैं, जैसे गुजरात का चुनाव था, गुजरात में जो है मेघा पाटकर जी जो पानी नहीं आने दी, वर्ल्ड बैंक का पैसा रुका रहा, वो यात्रा में शामिल होती हैं। आज जो है पूर्व रा प्रमुख जो पाकिस्तान के हितैषी हैं वो शामिल हो रहे हैं, तो राहुल गांधी जी कौन सा संदेश देना चाहते हैं? हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पर जो कहते हैं ना कि हम एक मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं, दुकान चल रही है, तो वो उस अपने कार्यकर्ता को भी याद कीजिए जिसका हाथ मरोड़ कर राहुल गांधी जी ने सेल्फी लेने से मना किया और उसको नीचे किनारे बेइज्जत किया गया। कौन से मोहब्बत की दुकान है ये? इन सब चीजों का कांग्रेस को ध्यान देना है। मैं फिर कह के अपनी बात समाप्त करता हूं कि इस यात्रा की कोई मंजिल नहीं है, एक गंभीर, और राहुल गांधी को एक व्यवस्थित करके इनको फंसा दिया गया है कि आप कुछ करते रहिए, यात्रा करिए, कांग्रेस ने इनको एक टास्क दे दिया है। आपको अगर आवाज पहुंच रही है तो मेरा सवाल यह है कि बीजेपी के नेता और आरएसएस के कार्यकर्ता या नेताओं में दूराभास की स्थिति क्यों है, कहां है? चंपत राय जी कहते हैं कि बड़ी अच्छी बात है कोई युवा यात्रा कर रहा है तो इसमें हर्ष क्या है? कहा आरएसएस ने कि इसमें बुराई है? किसने कहा ये बुराई है? क्या गलत उन्होंने कहा? मैं बताता हूं, चंपत राय जी ने ये कहा, आप उनके पूरे बयान को देखिए कि आरएसएस ने या हमने कभी इस यात्रा की का विरोध नहीं किया है, तो हम विरोध कहाँ कर रहे हैं? हम तो उस यात्रा की कमियों के बारे में बता रहे हैं, विरोध थोड़ा ही कर रहे हैं, हमारा कौन सा विरोध है? मैं तो खुश हूं मनोज जी बैठे हैं यहाँ, जावेद भाई आप कह रहे दी जा रही है, तो इतनी सुविधाएं दी जा रही है तो फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग भी ऐसी यात्रा निकाल लो, ये सिंपल सी बात है। कोई अगर बंदा निकल रहा है, आप क्या फाइव स्टार जैसी कंटेनर में सुविधा मिल जाएंगी? आप ये बताइए। अच्छा सुनिए, अगर आप तक आवाज ऐसी क्या कहां से जानकारी आप लोगों के पास आ गई? ऐसी कोई तस्वीर तो सामने आई नहीं कोई कि वहां फाइव स्टार मटन भी बन रहा है, चिकन भी बन रहा है, शाही पनीर खाया जा रहा है, आखिर ऐसी तस्वीर आई है तो उसकी पुष्टि तो करिए। दीपक मैं चाहूंगा, अश्विनी जी की लाइन शायद थोड़ी सी डिस्टर्ब है, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। मनोज मिश्रा जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कांग्रेस का सफर उत्तर प्रदेश में, मैं समझता हूं मनोज जी ने नरेंद्र तिवारी का भी जलवा देखा, वीर बहादुर सिंह का भी जलवा देखा और कांग्रेस का वो दौर देखा जब एक छत्र कांग्रेस केंद्र दिल्ली से ये फैसला हो जाता था कि रातों रात कौन मुख्यमंत्री रहेगा और उत्तर प्रदेश में कौन, तब की कांग्रेस में, आज की कांग्रेस में और इस भारत जोड़ो यात्रा पे जो कल उत्तर प्रदेश के मंच पे देखा गया कि कैसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का इसने स्क्रीन पे सबने देखा, उस चीज को इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, खूब वायरल हुआ और चंपत राय जी का जो सराहना राहुल गांधी जी के कल हम लोगों ने सुनी उस पर मनोज जी आपका क्या कहना है? देखिए दो चीजें हैं, आपका सवाल सच में बड़ा मुकम्मल है, जैसे अभी शाही जी जिक्र कर रहे थे चंपत राय के बयान को लेकर के, या शाही जी आपका और आपकी पार्टी का या नेताओं का राहुल जी पर इतना समय देना और इतनी चर्चा करना, मुझे लगता है राहुल जी की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि विगत 8 वर्षों में 2014 के बाद जब मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई तो सबसे ज्यादा टारगेट पे राहुल ही रहे, लेकिन बड़ा बदलाव हुआ है इस बात से इनकार नहीं कर सकते। आपको सवाल को मैं जोड़ूंगा, 90s के पहले जब उत्तर प्रदेश में या मंडल कमंडल या क्षेत्रीय दल में मायावती या मुलायम सिंह से पहले कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकारें हुआ करती थी, नेतृत्व था उनका, उनके साथ जनतंत्र था, लेकिन धीरे धीरे करके विभाजन कह सकते हैं या ये कहिए कि मतों का बंटवारा होता चला गया, कोई किसी के साथ कोई किसी के साथ, और लंबे अरसे तक लगभग 37 साल कह सकते हैं अभी भी भारतीय जनता पार्टी कि जो दोबारा की सरकार बनी पूर्ण बहुमत की, ये भी अपने आप में एक इतिहास रहा, लेकिन अलट पलट होने के बावजूद कांग्रेस बी सी डी पार्टी बनकर के खासकर उत्तर प्रदेश में रही, जबकि चाहे वो
पूर्वोत्तर की बात कर लें, हम दक्षिण की बात कर लें, और इस यात्रा से बड़ा बदलाव स्वयं के विश्वास में, जनमत में, जमीन में वन टू वन करके राहुल गांधी जी जब इस यात्रा को जब भी समाप्त करेंगे तो मुझे लगता है एक जो परिपक्व राजनीति की चर्चा बार बार सभी कहा करते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, भारत में राजनीति तो गांव में बसी है, ग्राम पंचायत से लेकर के एक कारपोरेटर जब प्रधानमंत्री तक पद तक जाता है तो उसमें वो एक लंबा दौर होता है उसकी राजनीतिक यात्रा का। ये भारत जोड़ो यात्रा जो एक विषय है उस पर बहुत उंगली बहुत टीका टिप्पणी की बजाय बेहतर ये है जैसे चंपत राय जी ने स्वागत डिस्टर्ब हो गया एकदम, बाकी अन्य लोग स्वागत कर रहे हैं, लेकिन जो स्वागत नहीं कर रहे हैं वो क्यों नहीं कर रहे हैं कारण समझिएगा भाई, मायावती हो गई, अखिलेश यादव हो गए, या मैं बात करूं बिहार में, या बात करूं मैं बंगाल में ममता, इन सब का जो राजनीतिक जनाधार है वो कांग्रेस से टूटे हुआ वे मत को या जनतंत्र का या उनके नेताओं के जरिए है। तो भारतीय जनता पार्टी तो चूंकि केंद्र में 20-22 राज्यों में है, उसका एक अपना राजनीतिक हो सकता है, लेकिन क्षेत्रीय दलों को राहुल गांधी की यात्रा से ज्यादा परेशानी होगी, इसलिए वो मीठा मीठा गप गप तीता तीता थू के चक्कर में है, और 2024 का चुनाव उनके सामने है। भाजपा के साथ कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये संकट तब आता है जब आंकड़ों की जादूगरी हो, आंकड़ों की कमी ज्यादा की बात हो, लेकिन चुनाव से पहले एक समय हुआ करता था सुरजीत सिंह बरनाला के नेतृत्व में, स्वर्गीय मुलायम सिंह सब लोग जिंदा थे, तीसरा दल नहा धोकर के खड़ा हो जाता, अब वो तीसरे दल की भी बात नहीं रही, कारण ये कि जब 300 के पार फिगर जाता है तो किसी छोटे दलों की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जावेद भाई बताऊंगा, चूंकि 20-22 वर्षों से मैं पूर्वोत्तर राज्यों से बहुत गहरता जुड़ा हुआ हूं, मैंने ज्योति बसु को जाते और ममता को आते देखा है, नारायण दत्त तिवारी को जाते और बाकी फिर लगातार अलग अलग सरकारों को बनते देखा है, तो इन सब चीजों में जो बदलाव आया है ये जरूर कहूंगा कि राहुल जी देर आए दुरुस्त आए अपने लिए अपनी पार्टी के लिए, परिणाम क्या होगा ये बात का विषय, लेकिन ये इन यात्रा में उनमें स्वयं में बदलाव आएगा, अगर उनको भारत की जमीन को, भारत की राजनीति को और भारत के जमीनी स्तर के लोगों को समझने में के बाद जब वो निर्णय लेंगे तो पूर्व निर्णय से बेहतर हो। ठीक है, जी आपसे सवाल है कि तरह से अगर देखे मान लेते हैं सफल होती है और आगे चल के सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में देख लें जो वहाँ की स्थानीय पार्टी है, चाहे सपा ले लें चाहे सपा ले लें, इनमें जब आपस में नहीं बनती, जब बारी आती है कि सीटों के बंटवारे की या फिर अपना मंत्री बनाने की, छोटे छोटे पदों पे लेते इतना टकराव बनता है, तो आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री का अगर चेहरा घोषित करने की बात आएगी तो क्या लगता है तब इनमें टकराव नहीं होगा, तब तक बहुत बड़ा पद होगा और जो पार्टियां स्थानीय हैं या सब मिलजुल के भी अगर आएंगी सामने तो तब क्या हालात होंगे, इतना देखिये क्षेत्रीय पार्टियों के लिए जो सवाल आपने किया है इतना उम्दा सवाल किया है कि आपने क्षेत्रीय पार्टियों की नस खींच दी है, और नस खींचने के बाद बनबना के जो खून छींटे इधर उधर जाती हैं, शायद मेरे जवाब से कुछ वैसे ही हो। जावेद साहब आप ज्यादा खुश मत होइएगा, मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक जैसे मनोज जी ने कहा कि ये एक कड़वा सच है क्षेत्रीय पार्टियों का, कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में मजबूत होने का मतलब ही यही है कि क्षेत्रीय पार्टी कमजोर होंगी, जो नॉन बीजेपी वोटर है वो कांग्रेस की तरफ जाएगा, और अगर कांग्रेस की तरफ जाएगा तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे अभी सुभाषपा हो सकता है कि चुनाव के आसपास हम देखें कि इनमें से कुछ एकाध पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ ऑफिशियली चली जाए साथ में, तो जो असली नुकसान है लोकसभा आम चुनाव में वो इन्हीं क्षेत्रीय दलों का है। लेटर और कार्ड और इनविटेशन पे मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मनोज जी ने जो बात कही मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि वो अपने अनुभव से ये बात कह रहे हैं कि जितनी ज्यादा मजबूत इस यात्रा से चाहे बिना इस यात्रा के कांग्रेस पार्टी होगी उत्तर प्रदेश में, उतना ज्यादा नुकसान क्षेत्रीय पार्टियों को होगा और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है। अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो मेरा मानना है कि क्षेत्रीय पार्टी को जो नुकसान होगा वो वोट या तो कांग्रेस की तरफ जाएगा या भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगा। ठीक है जावेद जी, जिस तरह से अभी अश्विनी शाही जी ने तो कहा है कि वहां पर चिकन मटन बन रहा है, ऐसी सुविधाएं मिल रही हैं, यात्रा क्या ये तो दिखावे के लिए एक तरीके से चल रहा है हिसाब किताब, बाकी अंदर बड़ा सुखद है, बड़ा मजा आ रहा है अंदर की तरफ से, तो कितना इत्तेफाक रखती है कांग्रेस इससे? नहीं नहीं देखिए ये सब बातें कहने की होती हैं, जुमलेबाजी होती है, मैं उस पर बहुत टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, वो कौन से इनके मित्र गए थे और क्या कहा के आए
लेकिन मुझे पता है कि वहां दोना पत्तल और आप ठंड देख रहे हैं वहां का टेम्परेचर, दिल्ली की ठंडक जो वहां पर कल ओला पड़ा है, जो कार्यकर्ता गए भाई का टेंट में से बूंदे गिर रही थी और उसमें भी छुटते हुए और सुबह 6 बजे उठ गए और उसके बाद जो है वो यात्रा पर निकल गए। तो इस तरीके की देखिए ठीक है, अगर इस तरीके की बातें हो रही हैं तो ये हम लोगों के लिए अच्छी बात है, होना चाहिए इस तरीके की बातें। अगर हम वहां पर लाइन लगा करके टेंट में और सुबह 6 बजे 4 बजे उठ करके और तैयार होकर के यात्रा में लोग निकल रहे हैं और उसको गलत तरीके से लोग प्रोपगेट कर रहे हैं कि वहां चिकन और मटन की पार्टियां चल रही, 5 स्टार होटल की सुविधा है, तो ठीक है, जो जो धरातल पर होगा वही दिखाई देगा। वो अगल बगल की जनता सब कुछ देख रही है कि कैसे लोग फिचूर रहे हैं ठंडक में और कैसे सुबह निकल रहे हैं। हमें तो उन्हीं लोगों को जोड़ना है, हमारा मकसद उनको जोड़ना है, हमको तो उन लोगों को नहीं जोड़ना है कि जो हमारे ऊपर गलत तरीके से बता रहे हैं कि वहां मटन और चिकन चल रहा है। इन बातों पे समय नहीं देना चाहिए, ये सब बातें तो होती रहती है। मतलब ये इसका मैसेज क्या जा रहा है, मैं बता रहा हूँ ऐसा तो है नहीं कोई चीज ढकी छिपी, वहाँ पर सारी चीजें मौजूद है, वहाँ पर सभी चैनल मौजूद है, वो तो वीडियो भी आपको दिखा देते, आपका भी चैनल मौजूद होगा। जो रेगुलर यात्री चल रहे हैं, जो राहुल गांधी के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहे हैं, तो उनको उनके लिए व्यवस्था कुछ इस तरीके से कि डेली उनको चलना है। बाकी दैनिक यात्री है और हर के यात्री है, दैनिक यात्री डेली शामिल होकर चले जाते हैं, राज के यात्री 3 दिन वहां पर रहते हैं, और जो लोग लगातार चल रहे हैं तो जाहिर सी बात उनके पास कपड़े होंगे, जूते होंगे, कपड़े धुलने भी रहते होंगे और आराम भी करना होता होगा, सारी व्यवस्थाएं भी करनी। इन मैं समझता हूँ इस तरीके की बातें करना कहीं इसका कोई उचित औचित नहीं बनता, औचित ये बनता है कि वहां की जनता कितना कनेक्ट हो रही है, क्या राहुल गांधी को जनता भीड़ जा रही है, देख रही है, सराह रही है, उनसे जुड़ना चाहती है, उनका वेलकम कर रही है, या जनता डिस्कनेक्ट हो रही है, उनसे गुस्सा हो रही है, उनके ऊपर कालिख पोत रही है, या उनके गलत नारेबाजी कर रही है। ऐसा तो नहीं हो रहा, मैं तो देख रहा हूँ छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े बुजुर्ग तक लोग वहां पर जुड़ रहे हैं, 3-3, 4-4, 2-2 घंटे इंतजार कर रहे हैं, उनके कोई कोई मैंडेट तो नहीं है। समय की कमी है, हम लोग टी शर्ट और हीटर पे बात ना करके बेहतर रहेगा कि इतने प्यारे पैनलिस्ट हमें मिले हैं, शाही जी बैठे हैं, मनोज जी बैठे हैं, हम ये जाने कि ऐसा आखिर कौन सी जड़ी बूटी खाई उन प्लानिंग करने वाले लोगों ने, जो पीछे पर्दे के पीछे की टीम है, कि एक आईटी सेल से जो कांग्रेस का इल्जाम है कि आईटी सेल से ये बदनामी की जा रही थी कि अभी तक प्रियंका गांधी वाड्रा जो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव हैं वो भारत जोड़ो यात्रा में क्यों नहीं दिख रही हैं, एक्टिव क्यों नहीं है। कल उत्तर प्रदेश में जैसे ही एंट्री हुई है भारत जोड़ो यात्रा की, कल मंच पे हमने देखा कि राहुल गांधी जी ने अपनी तरफ से और प्रियंका गांधी ने अपनी तरफ से अपने भाई के सपोर्ट में जो शब्द कहे, और भाई ने जिस तरह से एक बहन भाई का स्नेह दिखाते हुए अपनी बहन को प्यार किया, ये टीम क्या है मनोज जी, जो सारे जो पीछे के पहले के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या उनके आलोचकों की तरफ से जो तैयारी होती थी उनको घेरने की, ये उसकी आंसर शीट पहले ही सवाल से पहले ही कैसे चल रही है? नहीं देखिए, दरअसल क्या होता है, पक्ष और विपक्ष ये राजनीति में कहीं ना कहीं वो बेहतर हमने क्या किया वो सीट देने की बात करते हैं और कहां कमियां रह गई उस पर जनता के सामने लाने का काम हमेशा प्रतिद्वंदी पार्टियां करती नहीं, क्योंकि पहली बार नहीं। लेकिन रही बात प्रियंका जी, अब देखिए सवाल तो पोस्टरों पर इस बात पर भी हुआ कि अकेले प्रियंका जी ही क्यों, क्योंकि प्रियंका जी के अलावा बहुत सारे नेता हैं उत्तर प्रदेश में जिनका अपना जनाधार है, जो चाहे मैं पूर्व अध्यक्ष की बात कर लूं या मौजूदा पार्टी अध्यक्ष की बात कर लूं, प्रदीप अध्यक्ष की बात कर रहा हूं। लेकिन अब चूंकि प्रियंका जी बतौर इंचार्ज 2017 कहिए, 2019 कहिए, 2022 कहिए, और उन्होंने इस बात से इनकार, परिणाम कुछ भी रहा ये मैं उस पर नहीं जाता हूं, इन सोनभद्र से लेकर के उन्नाव से लेकर के बदायूं से लेकर के सारी जो घटनाएं अच्छी बुरी हुई उस पर उन्होंने जनता में जाकर के कांग्रेस तरफ से अपना पक्ष रखने को लेकर काफी सक्रिय भी रही। अब चुनावी आकलन में जाएंगे तो मैं उस पर परिणाम क्या रहा उसको हम आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन
तो उत्तर प्रदेश में जैसे राहुल की एंट्री होती है तो प्रियंका जी ने उनका वेलकम किया, राजनीतिक तौर पे किया, रिश्ते में वो भाई बहन है, और बेहतर होता, मैं भी इस बात पर सवाल कह रहा हूँ और बात भी कर रहा हूँ, बेहतर होता है कि उनके जो दूसरे नेता थे प्रदेश में, बहुत लंबी सीरीज है, सलमान खुर्शीद से लेकर प्रमोद तिवारी से लेकर के नसीमुद्दीन से लेकर के पूर्व अध्यक्ष लल्लू से लेकर के बहुत सारे लोग, लेकिन देखिए ये हम आप सवाल कर सकते हैं बतौर पत्रकार, लेकिन उनका आंतरिक मामला है, मैनेजमेंट है, उसने कैसे किसको तय क्या तय किया है, कब कौन सी ड्यूटी कहाँ लगाएगी। और देखिए भारतीय जनता पार्टी जैसा विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार या उनका प्रबंध तंत्र, मुझे लगता है इसी वजह से वो देश की या विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, कई राज्यों में उनकी सरकार है, 365 दिन चुनाव लड़ते हैं, और जहां उनकी सीटें मिनिमम आती हैं वहां भी वो मजबूती से डटे रहते हैं। बंगाल के चुनाव आप देख लिए, परिणाम आने के बाद उन्होंने छोड़ा नहीं, बल्कि वर्षों से राजनीति करने वाले वामपंथ वहां खत्म हो गए, वर्षों से राजनीति करने वाली कांग्रेस वहां खत्म हो गई। कांग्रेस जब कहीं खत्म होती है तो वो दोबारा वो एफर्ट नहीं देती जो एफर्ट बीजेपी देती है। राहुल जी या मैं लालू यादव की बात कर लूं तो मुद्दे की बात है कि उत्तर प्रदेश के बाद जैसे बिहार या अन्य राज्यों में राहुल जी की यात्रा जाएगी, पश्चिम से या ये कहिए दक्षिण से इनको यहाँ परेशानी इसलिए होने वाली है, उस तरीके जनाधार स्वयं क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के जो क्षेत्रीय दल हैं वो कांग्रेस से उपजे हैं और कांग्रेस के जनाधार से बने हुए, तो चिंता इस बात की है कि उनकी कहीं लुटिया तो नहीं डूबने वाली है। भाजपा ज्यादा परेशानी क्षेत्रीय दलों को है जी। राहुल की छवि उभर के आई है गंभीरता वाली, और जाहिर सी बात है कि इस यात्रा से फर्क तो पड़ा है, क्योंकि शायद हम इसी मुद्दे पर चर्चा भी कर रहे हैं। बाकी राज्यों की तुलना में अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, वहां पे आपकी वहां की राजनीति से काफी वाकिफ है, कितना असर पड़ रहा है और कितना असर पड़ेगा ये यात्रा गुजर जाने के बाद? देखिए यात्रा कुछ ना कुछ कुछ हद तक सफल है, इसीलिए हम आप बैठ के इस पे परिचर्चा कर रहे हैं। मनोज जी जैसे सीनियर जर्नलिस्ट जो हर पार्टी को बहुत नजदीक से, और मैं समझता हूँ एक आध खिड़की दरवाजा इनके पास हमेशा खुला रहता है, जिससे अंदर की क्या क्या पॉलिसी चल रही है, कैसे इम्प्लीमेंट हो रही है, आज तक सूचना आती रहती है। जावेद साहब यहाँ मुझे लगता है तो यात्रा या तो नेता आ चुके होंगे या जाने वाले होंगे, क्योंकि 30 जनवरी तक यात्रा चलनी है, खत्म होनी है कश्मीर में। मेरा ये मानना है कि अगर उत्तर प्रदेश में ये तीनों दिन, हालांकि उत्तर प्रदेश को आउटर उत्तर प्रदेश से ही राहुल गांधी जी ने इस यात्रा को, उनकी टीम ने इस यात्रा को ऐसे प्लान किया कि बाहरी उत्तर प्रदेश से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकल जाए प्यार से, और उसके बाद उसको श्रीनगर में जाके समापन करें तिरंगा फहरा के। सवाल ये है कि मेरे जवाब में मेरा सवाल है कि जो श्रीनगर में गुलाम नबी आजाद साहब जम्मू कश्मीर के शीर्ष नेता थे, लीडर ऑफ अपोजिशन थे लोकसभा के अंदर, उन्होंने अभी एक नई पार्टी नाराज होके बनाई। 2 दिन पहले आप ही की पार्टी के एक सीनियर नेता को उन्होंने ट्विटर पे कटाक्ष किया, बिना नाम लिए बहुत कुछ कह दिया, और ये तक कह दिया कि इन जैसों की वजह से ही आलोचकों ने, बड़े वरिष्ठ पत्रकारों ने कहा कि गुलाम नबी आजाद दोबारा आना चाहते थे, जुड़ना चाहते थे यात्रा को देख के, लेकिन कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता की शर्तों के कारण उन्होंने वापस अपना कदम पीछे कर लिया। बगैर गुलाम नबी आजाद के कैसे देखते हैं श्रीनगर में, कैसे संपन्न करेंगे इस यात्रा को? नहीं नहीं देखिए निश्चित तौर पर गुलाम नबी आजाद साहब जो है सीनियर लीडर थे, लेकिन देखिए उनके जाने से पहले राहुल जी ने कई बार ये कहा कि अब लड़ाई जो है कठिन है, हम उन लोगों का वेलकम करते हैं जो हमारी लड़ाई में हमारे साथ खड़ा है, और हम उन लोगों का बिल्कुल से वो नहीं चाहते साथ कि कहीं इस लड़ाई से भागना चाहते हैं। नो डाउट बहुत सीनियर लीडर है, अगर राजनीति और उसके हिसाब से देखा जाए तो उनका हमेशा मान सम्मान रहेगा, लेकिन आज की डेट में वो हमारी पार्टी में नहीं है, अपना उनका अपनी मजबूरियां और अपने तरीके होंगे, वो एक अलग चीज है। लेकिन जो राहुल गांधी का जो एक पूरे उसमें चल रहा है, एक नई ऊर्जा के साथ जो वो आए हैं, और जो एक जनता जो मैं देख रहा हूँ, एकदम स्पष्ट कह रहा हूँ, एक कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते और एक भारत का आम नागरिक भी होने के नाते से, कि नो डाउट अगर आप एनालिसिस करेंगे और ईमानदारी से देखेंगे तो राहुल गांधी ने एक ऐसी लकीर खींच दी है कि उस थोड़ा सा जो है अदर पार्टियों के लिए, जैसे
अगर यूपी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के लिए, बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए, अन्य छोटे छोटे दलों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा 2024 का चुनाव। 2024 का चुनाव जो है बिल्कुल अलग हमें बहुत विवादास्पद बात कह रहे हैं। हो सकता है अगर बाद में बाहें खुल जाएं दोनों तरफ से तो आपकी ये बात कोई ना कोई वेलकम देखिए। नहीं नहीं नहीं, कोई विवादास्पद बात नहीं है। हर राजनीति में क्या संभावनाएं हमेशा सबकी बनी रहती है। सुबह से शाम में लोग पलट जाते हैं, जीत के आते हैं किसी और पार्टी से, उसका सरकार किसी और के साथ बना लेते हैं। वो तो ये तो होता रहेगा यहाँ पे। आप कांग्रेस को श्रेणी में क्या क्या देख रहे हैं, उस श्रेणी में जिस राजनीति का आप विरोध करते हैं, क्या आप राष्ट्रीय कांग्रेस को, अपनी पार्टी को उस श्रेणी में देख रहे हैं जो बदल जाती है क्षणों में सत्ता के लिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर इस तरीके से होता तो आप देखिए हमारे हमारे लिए कितनी मुश्किलें खड़ी हैं। हमारे विधायकों को किस तरीके से मध्य प्रदेश में डैमेज किया गया, गोवा में डैमेज किया गया। तो ये तो अब जो है जो नई जो है राजनीति की जो परिभाषा भारतीय जनता पार्टी ने की है ना, उसको ही तो हम सही करने के लिए निकले हैं राहुल गांधी जी। उसी जो ये जो डैमेज वाली स्किल है, जो डैमेज चल रहा है, उसी को तो हमें हीलिंग करनी है, उसी को तो भरना है। सही तरीके से चुनाव हो, सही तरीके से सरकार बने और सही जो कहा जाए उस पर किया जाए। जनता तो समझ रही है ना, अत्ते दिन के वादे थे। समझ गए। मैं दीपक जी से इजाजत लेके मनोज जी से एक आखिरी सवाल अपनी ओर से कर रहा हूँ। मनोज जी, एस दौलत जो है वो भारत के पूर्व लॉ चीफ है। मैं आपका ध्यान चाहूंगा क्योंकि मेरा सवाल बहुत ज्यादा संजीदा है। ठीक, कोई बात नहीं। एस दौलत साहब के भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी से मिलने के बाद बीजेपी के आईटी सेल के हेड हैं अमित मालवीय। अमित मालवीय जी ने ये ट्वीट किया कि एस दौलत साहब जो थे पूर्व लॉ चीफ भारत के, वो सही काम नहीं करते थे और कांग्रेस का पलटवार उनके ऊपर ये है अमित मालवीय साहब पे कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूर्व प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा चेहरा, उनके समय पे रॉ चीफ रहे, एस दौलत साहब की बुराई करना ठीक वैसे ही है जैसे चेहरे को गाली देने के लिए नाक को ही काट देना। देखिए मैं बताऊं, अब क्या है कि राजनीति का मापदंड ब्यूरोक्रेट्स और इस तरीके के जो उच्च पदों पर रह रहे लोग हैं, इनका एक मिला जुला मामला। मैं इस बात इसलिए कह रहा हूं कि कई पूर्व न्यायाधीश आज किन पार्टियों में और कहां पर राज्यसभा सांसद है हम आप बेहतर जानते हैं, लेकिन 2010 के पहले, 2007 से पहले, 2003 से पहले स्थितियां ऐसी नहीं थी। पूर्व रिटायर जो भी बड़े पदों पे या ऐसे सेंसिटिव पदों पे हुआ करते थे, सीबीआई हो गई, रॉ हो गई, या आप कहें कि बड़े पद पे आपके अगर डिफेंस में लोग हैं या न्यायालय के पदों पे, तो वो पार्टियों से बचा करते थे सरकार रहते हुए भी, सरकार के बाद में भी। कारण ये होता है कि इस आरोपों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी मंशा, आपकी इरादा उस समय पद पे रहते हुए कैसी होगी। चलिए आज वो पूर्व लॉ चीफ राहुल गांधी से मिलने गए, इस पर भारतीय जनता पार्टी ने इतराज किया, लेकिन अगर वही लॉ चीफ भाजपा से मिलने जाते हो तो यही बयान, यही स्थिति कांग्रेस की भी होती। लेकिन यही तो मनोज जी, यही तो इल्जाम है, कांग्रेस का जवाब है, उनपे प्रहार है भारतीय जनता पार्टी पे, कि अपने ही सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रॉ चीफ रहे जो व्यक्ति थे, उन पे कैसे इल्जाम लगाया जा सकता है। नहीं देखिए, अब अगर इसकी आप बात करेंगे तो अक्सर पूर्व जो गवर्नर हुआ करते थे, गवर्नर में बात कर रहा हूँ आरबीआई के, उनके बहुत सारे बयान आपने हमने देखे होंगे। मैं बेसिक इसी बात की आपसे बात कर रहा हूँ कि उच्च पदों पे, शीर्ष पदों पे रहने वाले अधिकारी, वो किसी भी विंग के हों, जब एक समय के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उन पे ये सवाल उठना लाजमी बनता है, क्योंकि आपका विवेक, आपकी बुद्धि कहीं ना कहीं उस समय पर पद पर रहते हुए कोई लाभ तो आपने नहीं पहुंचाया है। लेकिन अब इन बातों की चर्चा मैं सामान्य इसलिए मानता हूं कि आप अगर उठा के देखेंगे तो बड़ी लंबी फेरिस्त है। लोग नौकरी में बीआरएस लेकर के सांसद भी बने हैं, मंत्री बने, विधायक बने, और कई राज्यों की स्थिति है। तो अब उसमें जनता ठगी जाती है। अब ये जनता को तय करना चाहिए कि उन अधिकारियों पर या उन नेताओं पर या उन जजों पर कैसे भरोसा करें जो इस तरीके की बात करते हैं। तो ये उसी एक सवाल का जवाब है। मैंने इसलिए आपको जवाब दिया कि ये राज चीफ अगर बीजेपी में मिलने जाते तो कांग्रेस का यही सवाल होता, पर ये चीजें उचित नहीं है। अगर ये ना हो तो बेहतर होगा। ठीक है, समय के डिबेट को आगे नहीं ले जाऊंगा, तो इसलिए आगे ले जाने के लिए माफी चाहूंगा जी।
जी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए वकास वारसी जी, अश्विनी शाही जी, जावेद अहमद जी और मनोज मिश्रा जी। तो कई सालों का सूखा झेल रही उत्तर प्रदेश कांग्रेस को राहुल की इस यात्रा से किसी सीटों की बारिश की उम्मीद तो नहीं है, पर हाँ कुछ सीटों की बूंदाबांदी की आश जरूर है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।